गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास फोर्थ। सो डियर चिल्ड्रन, एज यू नो आवर चैप्टर द लिटिल फर ट्री इज गोइंग ऑन एंड वी हैड ऑलरेडी डन सो मैनी एक्टिविटीज टू रिलेटेड दिस चैप्टर। सो टुडे वी आर डूइंग एन अनदर एक्टिविटी ऑफ आवर चैप्टर, पेज नंबर 30, लेट्स टॉक पिक्चर कंपोजिशन। ओके, सो फर्स्ट रीड दिस। लुक एट द पिक्चर बिलो। इन द येलो बॉक्स देयर आर 8 थिंग्स. Six of them you can see in the picture, the other two you cannot see. Write down the four things that you can see. तो बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें ऐसी चार चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं जिन चीज़ों के नाम इस बॉक्स के अंदर नहीं है। इस बॉक्स में उन चीज़ों के नाम नहीं है, आपको ऐसी चार चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं बनानास, ओके, बॉल, टिफिन एंड बर्ड्स। बर्ड्स भी नहीं है इसमें, बर्ड भी लिख सकते हो आप, ये जो पक्षी आपको दिखाई दे रहा है बर्ड भी आप ये लिख सकते हो। तो इन चार चीज़ों के नाम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, उसके बाद देखते हैं सेकंड वन। लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। आपको पिक्चर देखनी है अच्छे से दोबारा से और इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में आपको ये जो पिक्चर है ये डिस्क्राइब करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल हैव कम टू अ पार्क फॉर आउटिंग। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बॉय एंड ए गर्ल है जो कि एक पार्क में आए हैं आउटिंग करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड आप लिख सकते हैं, दे आर इन्जॉइंग द नेचुरल सीन बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। साइड ऑफ अ पॉन्ड कि जो बॉय एंड गर्ल है वो एक तालाब के किनारे प्राकृतिक दृश्य को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड जो लाइन है आप लिख सकते हैं, टू डक्स आर स्विमिंग इन द वाटर। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो दो डक्स हैं वो पॉन्ड में स्विम कर रही है, तैर रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन, द गर्ल हैज़ स्प्रेड अ मैट ऑन विच शी हैज़ पुट लंच बॉक्स, बनानास, बॉल एट्सेट्रा। आप उसके बाद देख सकते हैं कि जो गर्ल है उसने एक जो मैट है उसको फैलाया हुआ है, देन उसके बाद उसके ऊपर लंच बॉक्स है, बनानास है, बॉल है, अदर और अदर थिंग्स है जो भी उसने उसके ऊपर रख रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये जो मैट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अ बर्ड इज़ सिटिंग नियर द मैट। जो पक्षी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल मैट के पास, ठीक है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, द बर्ड इज़ सिटिंग नियर द मैट। ओके, लास्ट एंड फाइनल, द बॉय इज़ लुकिंग एट द बर्ड, ही लुक्स हैप्पी। जो बॉय है वो किसकी तरफ देख रहा है, बर्ड की तरफ, और वो कैसा दिखाई दे रहा है, सैड है और हैप्पी, वो हैप्पी दिखाई दे रहा है। तो फिफ्थ जो लाइन है आप लिख सकते हैं, द बॉय इज़ लुकिंग एट द बर्ड, ही लुक्स हैप्पी, और वो खुश दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर हैप्पी और अनहैप्पी। आपको बताने हैं इस बॉक्स के अंदर जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जितने वर्ड्स लिखे गए हैं, कौन सी चीज़ें दूसरों को हैप्पी फील कराती है और अनहैप्पी फील कराती है। तो आपको जो हैप्पी फील कराती है, एक्शंस डैट मेक पीपल हैप्पी, वो आपको एक तरफ लेफ्ट साइड लिखने हैं, देन एक्शंस डैट मेक पीपल अनहैप्पी, उनको आपको राइट साइड लिखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से लेफ्ट साइड आएंगे और कौन से हैप्पी वाले कॉलम में आएंगे और कौन से अनहैप्पी वाले कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन है एक्शन डैट मेक पीपल हैप्पी। तो फर्स्ट वन है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स जो है वो एक्शंस डैट मेक पीपल हैप्पी में आएगा, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ठीक है। सेकंड वन में है बीइंग पोलाइट। थर्ड वन प्लेइंग विद फ्रेंड्स। फोर्थ वन विजिटिंग अ सिक फ्रेंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट केयरिंग फॉर पेट्स। लास्ट एंड फाइनल
बींग ऑनेस्ट, बींग ऑनेस्ट। तो ये जो है आपको हैप्पी वाले कॉलम में ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड्स हैं आपको लिखने हैं, एक्शंस डैट मेक पीपल हैप्पी, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बींग पोलाइट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, केयरिंग फॉर पैट्स, बींग ऑनेस्ट। ओके, देन उसके बाद सेकेंड कॉलम, एक्शंस डैट मेक पीपल अनहैप्पी। सो फर्स्ट वन, नॉट सेइंग थैंक यू, सेकेंड नॉट शेयरिंग, वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, टेलिंग लाइज, बींग ग्रीडी, एंड लास्ट एंड फाइनल गेटिंग एंग्री। ओके, सो ये कुछ एक्टिविटीज़ है बच्चों जो कि आज आप लोगों को करनी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।